गुड मॉर्निंग एलकेजी के बच्चों के इंग्लिश की क्लास में मैं भी आप लोगों के सामने हूँ। आप लोग भी रेडी हो जाइए, ठीक है। आज की क्लास में, पिछली क्लास में हमने वेजिटेबल्स नेम और मंथ्स नेम का रिवीजन किया था। आज एनिमल्स नेम, एनिमल्स नेम में दो टाइप होते हैं, एक पेट एनिमल और दूसरा वाइल्ड एनिमल, ठीक है। पेट एनिमल्स वैसे एनिमल्स होते हैं जिन्हें हम पालते हैं, जो हमारे आसपास दिखते हैं, और वाइल्ड एनिमल्स में वैसे एनिमल्स आते हैं जो जंगलों में रहते हैं, जिन्हें हम पालते नहीं हैं। तो सबसे फर्स्ट में हम लोग पेट एनिमल्स को देखते हैं, ठीक है। पेट एनिमल्स यानी पालतू जानवर, पालतू जानवर में सबसे फर्स्ट कैट, सी ए टी कैट मीन्स बिल्ली, काउ, सी ओ डब्ल्यू काउ मीन्स गाय, डॉग, डी ओ जी डॉग मीन्स कुत्ता, रैट, आर ए टी रैट मीन्स चूहा, ऑक्स, ओ एक्स ऑक्स ऑक्स मीन्स बैल, ये फाइव है। सी ए टी कैट मीन्स बिल्ली, सी ओ डब्ल्यू काउ मीन्स गाय, डी ओ जी डॉग मीन्स R A T means चूहा, O X ox means bat। अब देखते हैं A S S S S means गधा, camel C A M E L camel means ऊँट, horse H O R S E horse means घोड़ा, pig P I G pig means सुअर, एस कैमल हॉर्स किंग रैबिट, आर ए बी बी आई टी रैबिट मींस खरगोश, डंकी डी ओ एन के ई वाई डंकी मींस खच्चर, बफेलो बी यू एफ एफ ए एल ओ बफेलो मींस भैंस, बुल बी यू एल एल बुल बुल मीन सांड, कैट काउ डॉग रैट ऑक्स, एस कैमल हॉर्स पिग रैबिट डंकी बफेलो बुल गॉट जी ओ ए टी गॉट मीन बकरी, एक और चलिए कैट पहले देखते हैं। सी कैट मीन बिल्ली, सी ओ डब्ल्यू कॉ मीन्स गाय, डी ओ जी डॉग मीन्स कुत्ता, आर ए टी कैट मीन्स चूहा, ओ एक्स ऑक्स मीन्स बैट, ए एस एस मीन्स गधा, सी एम एल कैमल मीन्स ऊंट, एच ओ आर एस सी हॉर्स मीन्स घोड़ा, पी आई जी पी मीन्स सुअर, आर ए बी पी आई टी कैट मीन्स खरगोश, पी ओ एन टी वाई डंकी मीन्स खच्चर, बी यू एफ एफ एल ओ बफेलो मीन्स भैंस, बी यू एल एल बुल मीन्स सांड, G-O-A-T got means बकरी, सिप S H E E P सिप means भेड़, S H E E P सिप सिप means भेड़। ये सारे हो गए पेट एनिमल्स, पालतू जानवर। इनका यूज है इसलिए हम इसको पालते हैं, ये हमारे लिए फायदेमंद है, यानी कि ये हमारे लिए उपयोगी है, इससे हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, इसलिए इनको हम पालते हैं। एक रैट है, इससे हमें कुछ मिलता नहीं है, लेकिन ये हमारे घरों में रहता है, इसलिए जो हमारे घर में आसपास में एक दो ऐसे भी जानवर हैं जिससे हमें कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन वो भी लोग पालते हैं एज शौक से या वैसे भी, और कुछ हमारे घर में रहते भी हैं, ठीक है। तो कैट काउ डॉग रैट ऑक्स, एस कैमल हॉर्स पिग रैबिट डंकी बफेलो बुल गोट और सिंह, ये हो गए हमारे पालतू जानवर। अब चलते हैं वाइल्ड एनिमल्स को देखते हैं, जंगली जानवर। ये 15, ये 15 जानवर हैं, जानवरों के नाम हैं जो कि पालतू हैं। चलिए देखते हैं,
वाइल्ड एनिमल्स यानी जंगली जानवर। वाइल्ड एनिमल्स जंगली जानवर, वैसे जानवर जो जंगलों में रहते हैं उन्हें जंगली जानवर कहते हैं। चलिए देखते हैं, सबसे पहले एलिफेंट, ई एल ई पी एच ए एन टी, एलिफेंट एलिफेंट मीन्स हाथी, टी आर जी ई आर टाइम मीन्स बाघ, एल आर ओ एल आई मीन्स से, या Y A K या किस बाहरी सांप, ज़ेब्रा Z E B R A ज़ेब्रा मीन्स जंगली घोड़ा। ये फाइव में एलिफेंट, टाइगर, लायन या ज़ेब्रा। अब है फॉक्स, F O X फॉक्स मीन्स लोमड़ी, W O L F उल्ट मीन्स भेड़िया, के बाद है जैपल, जे ए सी के ए एल, जैपल मीन्स ईदर। उसके बाद है लेपर्ड, एल ओ पी ए आर डी लेपर्ड मीन्स तेंदुआ, बियर बी ई ए आर बियर मीन्स भालू। अब है डियर, डी ई ई आर डियर मीन्स हिरन, जिराफ, जी आई आर ए एफ एफ ई जिराफ, जिराफ मीन्स जीरा। इसके बाद है डियर, जिराफ, एट ए पी ई एट एफ मीन्स लंगूर, कंगारू, के ए एन जी ए आर ओ कंगारू मीन्स कंगारू, वाइल्ड पिग, डब्ल्यू आर एल डी वाइल्ड पी आर सी पी वाइल्ड पिग मीन्स जंगली सुअर। चलिए देखते हैं एलिफेंट, डी एल ई पी एच एन एलिफेंट मीन्स हाथी, टाइगर, टी आई जी आर टाइगर मीन्स बाघ, लायन, एल आई ओ एल आई मीन्स सेब, या वाई ए वी आर कैट मीन्स याक या पहाड़ी सांप, ज़ेब्रा, ज़ेड ई बी आर ए ज़ेब्रा मीन्स ज़ेब्रा या जंगली घोड़ा, फॉक्स, एफ ओ एक्स फॉक्स मीन्स लोमड़ी, उल्फ, डब्ल्यू ओ एल एफ उल्फ मीन्स भेड़िया, जैपल, जे ए सी के एल जैपल मीन्स ईदर, लेपर्ड, एल ई ओ पी आर डी लेपर्ड मीन्स तेंदुआ, डियर, डी ई आर डी मीन्स भालू, डियर, डी ई आर डी मीन्स हिरन, जीरा, जी आई आर ए एफ एफ ई जीरा मीन्स जीरा, एफ ए पी ई एफ मीन्स लंगूर, कंगारू, के ए एन जी ए आर ओ ओ कंगारू मीन्स कंगारू, वाइल्ड पिग, डब्ल्यू आई एल डी पी आई सी पिग वाइल्ड पिग मीन्स जंगली सुअर। तो ये हमारे थे वाइल्ड एनिमल्स यानी जंगली जानवर। इससे पहले हमने पालतू जानवर यानी पेट एनिमल्स को देखा और ये हमारे थे वाइल्ड एनिमल्स। तो इस तरह से आप लोग जो इसको जानते थे पहले से या मैं आपको बतला चुकी थी, आप लोगों का कंप्लीट हो चुका था, उसका हमने रिवीजन किया। अब हमने जितनी बातें पढ़ी है आज तक उसका रिवीजन हो चुका है, ठीक है। अब कल के क्लास में मैं कुछ नई बातों को लेकर आऊँगी और कल कुछ नया सीखेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास को मैं यहीं स्टॉप करती हूँ, मिलेंगे कल की क्लास में। कल की क्लास में सरप्राइज है कि कल क्या सीखना है सेक्रेट, ठीक है। कल बतलाएंगे कि कल की क्लास में हम क्या सीखेंगे। आज आप लोग इसको कंप्लीट करेंगे और पिछली जितनी भी बातें पढ़ाई हो चुकी है उन सबको आप लोग उन सबका रिवीजन करेंगे और उसको कंप्लीट करके रखेंगे। भूलना नहीं है, इसलिए मैं बार बार बतलाई हुई बातों का रिवीजन करवाती हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम पढ़ लें और उन बातों को फिर भूल जाएं, तो कोई फायदा नहीं पढ़ने का। भूलना नेचुरली है, ये स्वभाव है आदमी का कि वो भूलता है,
छोटे बच्चे हो या बड़े हो सभी भूलते हैं, क्योंकि सारी बातें आदमी के दिमाग में हमेशा याद ही रहेगा तो आदमी का मेमोरी काम नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन जो काम की बातें हैं उसको याद रखना है, और याद रखने के लिए कोई भी चीज़ को हम बार बार देखते हैं, उसको पढ़ते हैं तो वो चीज़ हमें याद रहता है। तो इसी तरह से जो पढ़ाई हमें करनी है, जिसको जानना है, उसको हम बार बार पढ़ेंगे तो हमें याद रहेगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, हम जो आप लोगों को मैं जो बतलाती हूँ या जिसका रिविज़न करवाती हूँ, आप लोग अच्छे से उसको मन लगा करके कंप्लीट कीजिए और उसको याद रखिए, ठीक है। आप आज की क्लास को मैं स्टॉप करती हूँ, मिलेंगे कल की क्लास में।